बॉलीवुड के नवाब यानी सैफ अली खान की बात करें तो सैफ अली खान की जो आने वाली मूवी है लाल कप्तान, उसने बहुत ज़्यादा क्रेज़ बना दिया है अपना ऑडियंस में। इसके ट्रेलर के जो पहले दो पार्ट हैं हम देख चुके हैं और एक बार फिर से चैप्टर 3 यानी फाइनल ट्रेलर जो है इस फिल्म का रिसेंटली रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें अब रिवील कर दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें इस ट्रेलर की तो सबसे ज़्यादा इस बार भी चर्चा है सैफ अली खान के लुक को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रेलर को देखने से पता चलता है कि इस फिल्म में लुक से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक हर चीज को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, यानी जो डायरेक्शन दी गई है इस फिल्म को वो बाकमाल होगी। नवदीप सिंह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अब ये तो थिएटर्स में जाके पता चलेगा कि ऑडियंस को कितना ज्यादा पसंद आती है। और अगर हम बात करें इस फिल्म की स्टारकास्ट की, स्टारकास्ट भी कमाल की रखी गई है। इस फिल्म में सैफ अली खान यानी नवाब जी के अलावा हमें सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आने वाली है और साथ ही साथ दीपक डोबरियाल, सिमोन सिंह और जोया हुसैन जैसे दमदार आर्टिस्ट से भरी हुई है ये वाली स्टार कास्ट। और अगर हम बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो 18 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब देखना ये होगा ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन फिलहाल इस फिल्म का जो चैप्टर 3 वाला ट्रेलर आया है यानी फाइनल ट्रेलर आया है उसको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, जिसने और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है सैफ अली खान के इस फिल्म को लेकर ऑडियंस को। वहीं आखिर में आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आनंद एल राय, जो कि हमेशा अलग अलग फिल्में प्रोड्यूस करते रहते हैं और अच्छी फिल्में आती हैं इनकी प्रोडक्शन से। अब देखना ये होगा कि लाल कप्तान फिल्म जो है वो कैसी रहती है।